हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित है। आप देख यूट्यूब चैनल मिरेकल्स ट्रेडिंग। आज मैं बात करने वाला हूँ रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, वो क्या दिखाते हैं और इसे कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, और चार्ट में ये किस टाइप के देखते हैं हम लोग दिखने वाले हैं, ठीक है। तो जो चार्ट आपके रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपका ट्रेंड रिवर्सल दिखाते हैं, यानी कि मार्केट जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड है या जो कंटिन्यूशन ट्रेंड चलता है होता है उसे रिवर्स जब होती है मार्केट तो वो शो करते हैं रिवर्सल होने वाला है। तो वो जब पैटर्न्स बनते हैं तो रिवर्सल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो हम बनाएंगे तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न, सबसे पहले आप देख सकते हैं डबल टॉप होता है, तो हम डबल टॉप बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, डबल टॉप, ठीक है, डबल टॉप चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न हम देखने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो डबल टॉप चार्ट पैटर्न मैं टाइप कर दिया और यहाँ पर हम टाइप में चार्ट ड्रॉ करने वाला हूँ। तो पाथ पे जाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या होता है, ये है हमारा चार्ट, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, अप ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद में एक नीचे एम पैटर्न टाइप का बनाएगा, ठीक है, फिर से ऊपर क्यों जाएगा, फिर से ये पहले बार प्रीवियस वाला है वहीं पे जाकर ये क्लोज होता है, ठीक है। क्लोज होने के बाद दोबारा वो नीचे आता है, ये नेक लाइन को पार करता है और यहाँ जैसे ही पार करेगा तो ये दोबारा उसी जगह पे जाता है पहले। तो ये एम पैटर्न इसे कह सकते हैं हम लोग, एम पैटर्न भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि रीज़न ये है कि जो हमारा ये लाइन है हमारी ये वाली, ये लाइन है हमारा जो इसे बोलते हैं नेक लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेक लाइन है, ठीक है। तो नेक लाइन से पहला देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, नेक लाइन पर क्लिक किया, जहाँ से टच किया, टच करने में फिर से ऊपर गया जहाँ पर ये दूसरी लाइन बना रहा था। तो जहाँ से आने के बाद तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है लगभग इसका मिडल में रहता है, ये स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा ये वाला, ठीक है। और आपका ये क्या है, पहला पॉइंट, तो जिस पर एक लाइन बनती है हमारी, ठीक है। तो जो पैटर्न बनेगा वो एम पैटर्न टाइप का होगा, ठीक है। और एंट्री कहाँ करेंगे हम लोग, एंट्री ये होगा हमारा, ये चीज़ हमारी एंट्री होगी इसमें यहाँ पर, और टारगेट हमारा ये होगा, ये टारगेट हमारा। तो ये यहाँ तक का आपका टारगेट बनता है। तो ये हमारा हो गया एम पैटर्न, जिसे हम डबल टॉप कहते हैं, ठीक है, आपको समझ में आया हो। और इस चार्ट को हम लोग अभी देखते हैं चार्ट के अंदर एम पैटर्न किस तरह से दिखता है। तो कोशिश करते हैं चार्ट को ढूंढने की, इस मैं अभी भारतीय एयरटेल के अंदर हूँ तो भारतीय एयरटेल के अंदर ही एम पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एम पैटर्न यहाँ कहीं दिखेगा हमें तो 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, 30 मिनट के शायद नहीं मिलेगा एम पैटर्न। ध्यान से आप देखिए एम पैटर्न जहाँ इसने बनेगा, देखो यहाँ बना, ये देखिए यहाँ तक का टारगेट। तो हम जो किसको ड्रॉ कर सकते हैं शायद एम पैटर्न में, कोशिश करते हैं, यहाँ से गया ऊपर, यहाँ गया नीचे, यहाँ से जाने के बाद ऊपर फिर नीचे, ये एम पैटर्न है। बट क्यों है, रीज़न देखो यहाँ पर, देखो ये यहाँ से ट्रेंड अप ट्रेंड में था, तो अब ब्लैक कर देता हूँ उसे, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देखो, और ये इसका नेक लाइन है, हम लोग इसकी नेक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये देखो इसको ब्लैक कलर में कर देता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगा, थोड़ा चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये देखिए कम्प्लीटली वैसा ही नहीं है मगर ये कुछ एम पैटर्न टाइप का है, क्योंकि ये सेम टू सेम बराबर नहीं हो सकते। देखो यहाँ से इसने थोड़ा तो गया ना ऊपर तक इस कैंडल तक, यहाँ से उसी कैंडल प्रीवियस कैंडल तक हम लेते हैं, इस कैंडल तक देखो ये कैंडल आई थी, फिर आने के बाद इसने इस नेक लाइन को क्लोज किया, फिर ये वो नीचे गया यहाँ तक लगभग गया, ठीक है। तो इसे एम पैटर्न इस कहते हैं। जब ये पैटर्न बनता है तो ये अप ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड हो गया यहाँ से यहाँ तक, थोड़ी देर ये 15 मिनट के टाइम के हिसाब से, हमारा टाइम फ्रेम क्या है 15 मिनट है, इसके हिसाब से हम देख रहे हैं।
तो हम डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको ढूंढ सकते हैं आप पैटर्न्स। ये वाला जब आपको ये बना हुआ दिखाई देगा कहीं भी, तो क्या होगा, मार्केट रिवर्स हो सकती है। गारंटीड नहीं होती, मगर होने के चांसेस होते हैं कि मार्केट वहाँ से रिवर्स लेगी। अगर आप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब इसका ये डबल टॉप है, अब इसका डबल बॉटम भी आता है। तो हम इसको डबल बॉटम कब बनता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो फिर वो अप ट्रेंड पर कन्वर्ट होती है। तो हम उसको क्या करेंगे, अब हम एक नया पैटर्न देखने वाले हैं हम लोग इसके अंदर, जिसे हम बोलते हैं, मैं यहाँ से क्लोन कर लेता हूँ उसे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक और चार्ट पैटर्न जिसको हम बोलते हैं डबल बॉटम। तो हम डबल बॉटम जो दिखता है, कैसा दिखता है चार्ट में, वो देखने वाले, ठीक है। ये हमारा डबल बॉटम चार्ट पैटर्न हो गया। तो हमारा डबल बॉटम सेम इसका रिवर्सल है, मतलब उसका उल्टा, पहले वाले डबल टॉप का उल्टा ही बनेगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ऊपर की तरफ आता है मार्केट, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर डब्लू टाइप का बटन बनाएगा, यहाँ से दोबारा नीचे आएगा, फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये चीज़ जो होता है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का, फिर ये एम डब्लू टाइप का ये पैटर्न बन जाता है, मतलब डबल, सॉरी ये यहाँ तक का ये चीज़ हो गई हमारा, ठीक है। ये मैंने सीधा कर दिया, ये हमारा टाइप पैटर्न हो गया एक टाइप का, डब्लू टाइप का, ठीक है। अब देखते हैं हम जो क्या है, ये इसकी नेकलाइन बनेगी, नेकलाइन ये वाली होगी, क्योंकि पहले वाला रिवर्स वाला है, ठीक है। तो ये मार्केट यहाँ से इसने टर्न लिया, मार्केट ने यहाँ से ऊपर से आया मार्केट नीचे साइड को, फिर ये ऊपर गया, यहाँ टच किया, यहाँ पर उसने एक क्या किया, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस, इसने रेजिस्टेंस बनाया यहाँ पर, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद ये नीचे गया, फिर से इसने टच किया, यहाँ पर क्या, वो सपोर्ट लिया, ये क्या है आपका सपोर्ट, ये सपोर्ट हो गया। यहाँ आने के बाद, सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर गया, और जैसे ये इस नेक लाइन को पार करेगा, हमारी इस लाइन को, इस लाइन को जैसे ही पार करेगा, हम क्या करेंगे, इसमें एंट्री मारेंगे, यानी कि एंट्री लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर इस लाइन पर जाके एंट्री लेंगे, ये हमारा क्या हुआ, एंट्री हुआ, ये क्या है हमारे एंट्री। तो एंट्री हमने ली और टारगेट हमारा ये रहेगा, ये यहाँ तक का हमने टारगेट लेंगे, मतलब मिनिमम हम लोग यहाँ तक का टारगेट लेंगे, ठीक है। तो आपको शायद आपको फ्रेंड आपको पसंद आया होगा, पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। और आगे हम इसमें और भी पैटर्न्स हैं, जिसमें मेन जो हैं हम लोग तीन देखने वाले हैं, उनके रिवर्सल भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमने दो तो देख लिए, दो का ही पहला ही हमने देखा है, असल में जो चार्ट हम पैटर्न देखा है वो असल में पहला ही है, एक तरह का ही, क्योंकि ये डबल टॉप में डबल बॉटम एक ही जैसा ही है, ठीक है। तो हम लोग नया पैटर्न देख डिज़ाइन वो टाइप वो करने वाले हैं हम लोग इसमें, तो जिसका जिसका नाम क्या है, हम लोग इसके अंदर एक और पैटर्न देखेंगे, क्लोन कर लेते हैं, ड्रैग टू कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम यहाँ से चलेंगे, नया पैटर्न देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पैटर्न है हमारा हेड एंड शोल्डर्स। हमारा हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न भी एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर्स, चार्ट पैटर्न, ठीक है, जिसे हम हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बोलते हैं। तो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न जो होता है उसके अंदर कैसे टाइप का दिखता है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर में क्या है, सबसे पहले मार्केट अप ट्रेंड में होगी, ठीक है, फिर वो डाउन ट्रेंड में आएगी, यहाँ पर एक क्या करेगी, सपोर्ट बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा मार्केट, फिर रेजिस्टेंस बनाएगा। मगर इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस इस टाइप का नहीं बनता, थोड़ा सा ऊपर की साइड जाता मार्केट, ऐसे गया, फिर नीचे आएगा उसी जगह पर जहाँ से इसने पहले सपोर्ट लिया था, फिर आएगा, फिर जाएगा थोड़ा सा इस प्रीवियस वाला जो हमारा सपोर्ट है वहाँ पर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर जाने के बाद सीधे नीचे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी लाइन होगी, ये वाला यहाँ तक आएगा, ठीक है मार्केट। अब क्या है ये चीज़,
जो हमने ये देखा है ये चीज़, ये इसका क्या है, नेक लाइन, इसे हम नेक लाइन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा नेक लाइन हो गई। ये ठीक है, और ये हो गया उसका हेड। हेड वन जी, हेड हो गया। ठीक है, और ये हो गया इसके शोल्डर्स। ठीक है, टू शोल्डर्स, ये शोल्डर है एक, हेड एंड शोल्डर। तो हमारा ये हो गया एक शोल्डर, फिर दूसरा हो गया एक शोल्डर। ठीक है, तो ये चीज़ इस टाइप का दिखता है। पहले मार्केट इसमें क्या जाता है, अब ट्रेंड में जाएगा सीधे, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाएगा, फिर नीचे एक सपोर्ट लेगा, वहीं सपोर्ट, फिर बाद में और ऊपर जाता है पहली बार प्रीवियस वाले चार्ट से ब्रेक करके, फिर यहाँ पर एक हेड बनाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर सपोर्ट लेगा उसी जगह पर जहाँ उसने पहले सपोर्ट लिया। यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो फिर से वो सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाएगा, फिर उसी को रेजिस्टेंस बनाएगा जो पहले वाला रेजिस्टेंस होगा ये वाला। ठीक है, फिर मार्केट वहीं से नीचे आएगी। तो नीचे का टारगेट क्या होगा हमारा, ये बनते ही हम नेक लाइन पे क्या करेंगे, यहाँ एंट्री करेंगे। ये हमारी क्या होगी, एंट्री होगी, और यहाँ पर तक हमारा क्या टारगेट होगा। ठीक है, इस पैटर्न जो हमें ये मार्केट चार्ट का पैटर्न हमें दिखाई दे, तो ठीक है, ओके। तो सर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखें इस चार्ट पैटर्न को भी, कोशिश करते हैं ढूंढने की। तो ये चार्ट पैटर्न हमारा चार्ट के अंदर कहाँ दिखेगा, एक बार देखते हैं हमें कहीं मिलता है, एक बार ढूंढने की कोशिश करते हैं हमें कहीं देखे चार्ट के अंदर बनता हुआ। कभी कभार ये 15 मिनट के चार्ट पे आपको 1 मिनट के चार्ट पे मिल सकते हैं। तो ये देखिए, ये साइप देख सकते हैं हम लोग इस टाइप पे, कहीं यहाँ पर नहीं बन रहा हमारा चार्ट, ये इस टाइप का। देखो ये क्या, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे, फिर वीवीएस, फिर नीचे। तो ये हमारा क्या हुआ, हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन गया है। ये देखो, ये आपको देख सकते हैं, पहला यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यहाँ तक गया, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये हेड एंड शोल्डर हमें साफ साफ जैसे हमने बनाया था वैसा नहीं दिखता, बस थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिखते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट, यहाँ से देखो, ये ध्यान से अब देखें तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा दिखाई देगा। ये देखो, नेक लाइन यहीं बन रही है। देखो ये कैंडल प्रीवियस है, दूसरी कैंडल यहाँ पर है, बस ये थोड़ा तिरछा बन रहा है, मगर हेड एंड शोल्डर ही है हमारा ये पैटर्न। देखो ध्यान से, ये हमारा पैटर्न वैसा ही बन रहा है। देखो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ से चलना, देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया ना। देखो जैसे ही नेक लाइन इसने ब्रेक किया, यहाँ से हमारी एंट्री हुई और यहाँ तक का टारगेट हमें मिलेगा। तो आपने देखा, ये देखो यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ये हमारा चार्ट में आपने देखा यहाँ पर। और तो ये एंट्री होती हमारी, तो यहाँ तक का टारगेट हमें मिल जाता, काफ़ी लंबा टारगेट होता। तो ऐसे टारगेट लेने के लिए हम लोग इस पैटर्न्स को देखते हैं। जब हमें पैटर्न दिखाई देता है तो उसे क्या हम ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि उसमें एक स्टॉप लॉस ज़रूरी है। अगर स्टॉप लॉस के बिना आप मार्केट में काम करते हैं तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस आपका जो हो तो 1:2 के हिसाब से लगाइएगा। ये है आपका स्टॉप लॉस बनेगा, यहाँ पर एंट्री होगी आपकी, यहाँ गई ये पहले, वैसे होना तो चाहिए आपका स्टॉप लॉस ये वाला है, ये स्टॉप लॉस ये वाला होना चाहिए। लेकिन आप इतना बड़ा नहीं ले पाएंगे तो क्या करना है, आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते तो इसका हाफ़ लीजिएगा, इसका हाफ, ये इसका 50% हाफ लीजिएगा स्टॉप लॉस, और टारगेट आप उसके हिसाब से यहाँ तक का ले सकते हैं। 1:2 के हिसाब से लीजिएगा, 1:2 का आप लीजिएगा, आपको टारगेट अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसका जो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है उसका दूसरा टाइप का पैटर्न देखने के लिए। तो हम लोग इसका हेड एंड शोल्डर्स का दूसरा पैटर्न हम ड्राइव करेंगे। तो हमारा
देखते हैं हम लोग। तो ये चीज़ अब हम देखने वाले हैं, इसका हेड एंड शोल्डर्स का दूसरा चार्ट सेम टू सेम उसको रिवर्स कर लेंगे, रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स, इनको इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बोलते हैं। तो क्या दिखता है, इनवर्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है, ये चार्ट पैटर्न हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बोलते हैं इसे। तो इसके अंदर ये जो चार्ट भी सेम ऐसे ही दिखता था जैसे हम पहले देख रहे थे, मैं फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये ऐसे नीचे जाएगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी, फिर ऊपर, फिर नीचे हेड बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर इसके प्रीवियस पर जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर यहाँ से सीधे ऊपर की तरफ निकलेगा। ये हेड एंड शोल्डर्स हमारा पैटर्न डिज़ाइन हो गया, ठीक है, हेड ऐसे ही बनेगा, इसमें ये डब्लू टाइप का पैटर्न बनेगा हमारा, और ये हमारी क्या होगी, नेकलाइन हो जाएगी, ये आपकी नेकलाइन हो गई, ठीक है। मैं फटाफट इसको कॉपी करके लगा देता हूँ फटाफट, ये हमारा हेड हो गया और ये हमारे शोल्डर्स हो गए में, और ये हमारी नेकलाइन हो गई, ठीक है, ये हमारा नेकलाइन हो गई और हेड एंड शोल्डर्स हो गए। तो ये हमारा हेड है और शोल्डर्स है। तो आपने जल्दी जल्दी देख लिया, सेम ये आपका डब्लू पैटर्न भी चार्ट के अंदर जैसे ही दिखता होगा जैसे हमने एंड देखा। तो ये आप ढूंढ सकते हैं, आपको चार्ट पैटर्न ज़रूर मिल जाएंगे, फटाफट देखते हैं, यहाँ पर भी ये भी मिल जाएगा शायद। तो जल्दी जल्दी हम देखते हैं, ये हमारा देखो, ये आप देख सकते हैं, देखो फ्रेंड्स, देखो ये हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का डिज़ाइन बन रहा है। देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन क्लिक ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके पैटर्न हिसाब से, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये देखो आप सीधे यहाँ से यहाँ तक कर रहा है। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ है यहाँ पर, ये सीधे जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन आ रही थी, ये देखो आप ऐसे आ रहा है, अब डाउन ट्रेंड था, अब यूनिवर्स पैटर्न पर आया और सीधे यहाँ से ऊपर की तरफ पड़ा। तो ये काफ़ी अलग तरीके से निकला है, मगर निकला है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ड्रॉ करके लाइन यहाँ से यहाँ तक का, तो ये आप देख सकते हैं इसकी नेक लाइन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते थे, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल जाता, ठीक है, अगर हम यहाँ एंट्री बनाते हैं। तो ये 15 मिनट के हिसाब से आपको कम से कम भारतीय एयरटेल 12 रुपीज मिल सकते थे। तो ये एयरटेल का है, आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर कहीं पर भी आप ये चार्ट पैटर्न ढूंढ सकते हैं, ये चार्ट पैटर्न है आपका कहीं भी मिल जाएगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का, ठीक है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न का डिज़ाइन आपने देख लिया, अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा पैटर्न हम डिज़ाइन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम आगे दोबारा हम देखते हैं अपना चार्ट पैटर्न्स, आप देखते हैं जैसे कि हमने इतने पैटर्न्स हमने देख लिए हैं यूनिवर्स का, एक और पैटर्न है हमारे पास जो हम आगे बनाने वाला हूँ मैं। तो इसमें तो फ्रेंड्स एक और रिवर्सल पैटर्न होता है जिसे हम राइजिंग ब्रिज कहते हैं, मैंने जैसे कि आपकी स्क्रीन पर लिख रखा है राइजिंग ब्रिज। तो राइजिंग ब्रिज कैसा दिखता है पैटर्न, वो हम मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ यहाँ। तो उसमें क्या होता है, एक आप देख रहे हैं पैटर्न क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है हमारा जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होता है, ठीक है। अप ट्रेंड होने के बाद उसमें क्या होता है, एक पैटर्न स्टेप से बनता है ऐसे करके, ठीक है, जो पैटर्न ये है वो राइजिंग ब्रिज कहलाता है। तो इसमें क्या है, थोड़ा फ्लैग की तरह ही डिज़ाइन होता है, मगर ऊपर की साइड ये नैरो होता जाता है, ठीक है, इस टाइप से। तो जो चीज़ ये है यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या होता है, इस पैटर्न के अंदर ये हम लोग चार्ट पे देखेंगे बाद में, सॉरी चार्ट ऐसे नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर की तरफ जा रहा था वहाँ से फिर नीचे को आया, फिर ऊपर को जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस टाइप का पैटर्न इसमें दिखता है, और बाद में ये नैरो होता जाता है। देखो अब बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, फिर ऊपर से क्या होता है, रिवर्सल आता है और नीचे की तरफ ये देता है मतलब टारगेट। तो यहाँ से क्या आता है, यहाँ तक का हमें टारगेट मिलता है, सॉरी
ये यहाँ तक का हमें टारगेट मिलता है। तो इसके अंदर जो पैटर्न होता है हमें ये पैटर्न का ये वाला ये हमारा क्या रहता है टारगेट रहता है, ये जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वही हमारा टारगेट होता है। तो ये हमारा क्या होता है टारगेट ये वाला यहाँ पर, और ये देखिए सर, तो इसके अंदर क्या होता है हम लोग जैसे कि ये क्या है अप ट्रेंड जा रहा था, वहाँ से क्या होता है नीचे डाउन आता है, थोड़ा सा डाउन होता है फिर वो सपोर्ट लेता है, एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए चलता है। देखो आप नीचे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर एक ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेता है, वो नैरो होता जाता है, फिर अचानक से क्या होता है इस जो ट्रेंड लाइन जो डिज़ाइन हो रही थी उसको ब्रेक डाउन करता है। ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग कहते हैं यहाँ पर एंट्री लेते हैं, इस पैटर्न में हम यहाँ पर एंट्री करते हैं ठीक है, और ये क्या होता है नीचे की तरफ डाउन साइड को आता है, जहाँ से ये स्टार्ट होता है उसी पॉइंट पे ये जाके रुकता है, मतलब वहाँ पर पहुँचता है, उसके बाद भी डाउनफॉल होता है हो सकता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर अधिकतर हम लोग यहाँ तक का टारगेट लेते हैं, ये हमारा टारगेट रहता है ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम एक और पैटर्न देखेंगे जिसे हम इसका सेम रिवर्सल बोल सकते हैं, इसका उल्टा वर्जन बोल सकते हैं राइजिंग ब्रिज का ठीक है। तो उसे बोलते हैं फॉलिंग ब्रिज, जैसे कि राइजिंग ब्रिज है वैसे ये फॉलिंग ब्रिज भी बनेगा ठीक है। तो उसका हम देखेंगे फॉलिंग ब्रिज किस टाइप से दिखाई देता है चार्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स राइजिंग ब्रिज हमने देख लिया, अब हम इसका इन्वर्स वर्जन देखेंगे जिसे बोलते हैं फॉलिंग ब्रिज। जैसे कि हमारी राइजिंग ब्रिज है वैसे एक फॉलिंग ब्रिज होता है, तो फॉलिंग ब्रिज किस तरह से बनता है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अप डाउन ट्रेंड में है मार्केट ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में होने के कारण एक चार्ट पैटर्न हमारा नीचे की साइड बनेगा हल्का सा ठीक है, फिर ऊपर से ही एक रेजिस्टेंस बनेगा जो इस टाइप से होगा और नीचे को नैरो होते हुए जाएगा। तो मार्केट क्या करती है ऊपर से आती है, थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगी, फिर नीचे फिर सपोर्ट लेना है, फिर रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट यहाँ पर लेगा नीचे को, फिर ये रेजिस्टेंस जो हमारा है उसको ब्रेक डाउन करता है। जैसे ही ब्रेक डाउन किएगा हम लोग एंट्री लेंगे और यहाँ तक हम टारगेट लेंगे। तो ये हमारा टारगेट सेम उसकी तरह ही बनेगा जैसे पहले हमारा राइजिंग ब्रिज में बना था, फॉलिंग ब्रिज में भी सेम वैसा ही पैटर्न दिखाई देगा। तो ये चीज़ हमारा टारगेट हो गया ग्रीन वाला, ये टारगेट हो गया हमारा ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, तो हमारा टारगेट हमारा क्या बनेगा यहाँ से देखो, ये चीज़ क्या हुआ था यहाँ पर, ये चीज़ ऊपर से मार्केट आ रहा है अप ट्रेंड में, अब सॉरी डाउन ट्रेंड में, फिर डाउन यहाँ पर रेजिस्टेंस उसने फेस किया फिर सपोर्ट लिया, या फिर रेजिस्टेंस ये फेस किया फिर सपोर्ट लिया फिर रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस को उसने करके ब्रेक डाउन किया। जैसे ही ब्रेक डाउन किया हमने एंट्री ली, यहाँ पर एंट्री लेंगे फिर यहाँ से यहाँ तक का टारगेट लेंगे हम लोग, टारगेट फिल करेंगे, ये टारगेट हिट होते ही हम लोग एग्जिट ले लेंगे ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स कैसे लगे कमेंट में बताइए, और भी इस वीडियो को लाइक कीजिए आपको पसंद आई है तो, और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।